मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से प्रदेश में स्थित बीबीएमबी, एसजेवीएनएल और एनजेपीसी जैसी कंपनियों की बिजली परियोजनाओं में हिमाचल को 40% हिस्सेदारी दिए जाने की मांग की है। लाहौल स्पीति के काजा में भारत सरकार के ऊर्जा सचिव आलोक कुमार के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ 110 मेगावाट की शानन पन विद्युत परियोजना के पट्टे की अवधि वर्ष 2024 में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद हिमाचल को इस परियोजना का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लुहरी चरण एक और चरण दो तथा धौलासिद्ध परियोजनाओं सहित अन्य पन विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में हिमाचल को क्रमबद्ध हिस्सेदारी की पेशकश राज्य के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन समझौतों की पुनः समीक्षा का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इन बिजली परियोजनाओं के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए 75 वर्षों की एक निश्चित समय अवधि तय करने का आग्रह किया।